जशपुर के पत्थल गांव तहसील में हाथियों का कहर जमकर टूटा, जहां उत्पाती हाथियों ने अलग अलग घटना में 3 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। जानकारी के मुताबिक पहली घटना सराई टोला के बंदरा कुंजरा के जंगल की है, जहां 50 साल के व्यक्ति को एक हाथी ने कुचल दिया। वहीं दूसरी घटना झिमकी गांव की है। इस गांव में दल से अलग होकर भटक रहे 2 हाथियों ने एक ही परिवार के 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। वन विभाग के SDO ने 3 लोगों के हाथियों से कुचले जाने से हुई मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि झिमकी में बस्ती में घुसे 2 हाथी घर तोड़ रहे थे, इसी दौरान मृतक हाथी के सामने आ गए और यह हादसा हो गया। वहीं एक दिन में 3 लोगों की मौत ने शासन प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। वहाँ पे वन विभाग द्वारा जो ERB है, एलिफेंट रिपेलेंट बैरिकेड, वो भी लगवाया गया था। तब से कुछ राहत भी मिली थी लोगों को, जो हाथी जो घर तोड़ रहा था उससे कुछ राहत भी मिली थी। लेकिन कल शाम को एक मृतक जो है वो वहाँ से बैरिकेड क्रॉस करके, हाथी जहाँ पे पानी पी रहा था तालाब के पास, वहाँ पे गए थे और वहीं पे भिड़ हो गई और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। एक घटना यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं झिमकी पंचायत का, खूंटा पानी पंचायत का एक क्षेत्र है, यहाँ पे एक घटना हुई है। एक हाथी ये रात को यहाँ पे आया था। जनरली ये उसके कॉरिडोर का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे उसका मूवमेंट नहीं रहता है और किसी को खबर ही नहीं था कि यहाँ पे हाथी आया है। जब हाथी ने घर तोड़ा तो वो सबको यहाँ पे सूचित हुआ। वहीं वो लोग जैसे बता रहे हैं पहले ही पेशाब के लिए बाहर आए थे मृतक जो है, और उनको मुठभेड़ हो गया और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। उसी तरह की एक घटना झिमकी में भी हुई है। हाँ, लगातार यहाँ पे लगभग 4 माह हो गया, कंटिन्यू हाथी यहाँ उत्पात मचा रहे हैं और दूर दराज में मकान गांव में जंगल अंचल में हैं, इसलिए वो लोग अपने सुरक्षा के लिए शासकीय भवनों में रह रहे हैं।